हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौरभ पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी स्पर्मेटोरिया, दांत का आना। वे लड़के जिनको दांत आने की समस्या है, आज आपको इस वीडियो में स्पर्मेटोरिया की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे। आपको हमेशा के लिए दांत आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपको बताएंगे स्पर्मेटोरिया होने का क्या कारण होता है और आपको इसके लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज यह वीडियो हर एक उस लड़के के लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों वे लड़के जिनको दांत आने की समस्या कई सालों से लगातार बनी हुई है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अभी जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब स्पर्मेटोरिया की समस्या लड़कों को हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यह लड़कों को होने वाली एक आम समस्या होती है, जब दोस्तों यह समस्या क्रोनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है और अधिक मात्रा में स्पर्मेटोरिया दांत आने लगती है। दांत आ जाने से शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और व्यक्ति वह लड़का जिसको स्पर्मेटोरिया की समस्या हो जाती है, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, आंखों से आंखें में नहीं मिला पाता है। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया दांत आ जाने से रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। विशेषकर सेक्सुअल डिजीज भी देखी जाती है, लिंग का छोटापन, टेढ़ापन, पतलेपन की समस्या हो सकती है। दांत लड़के को कभी भी आ सकती है, किसी भी एज में दांत आने की समस्या हो सकती है। विशेषकर जब लड़का पेशाब करता है, पेशाब के साथ बहुत अधिक मात्रा में दांत आ सकती है, चिपचिपा पानी निकल सकता है और बहुत अधिक मात्रा में इस पानी के निकल जाने से शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है। दोस्तों, जब शरीर से अगर बीरिया स्खलन होने लगता है, यानी अचानक बीरिया निकल जाता है और यह बीरिया बहुत ज़्यादा पानी की तरह चिपचिपा होता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपको दांत आने की समस्या है। दोस्तों, यह समस्या आपको रात के समय सोते समय भी हो सकती है और जब आप किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हैं, तब आपको स्पर्मेटोरिया दांत आ सकती है, आपके लिंग से पानी निकल सकता है। विशेषकर यह पानी चिपचिपा हो सकता है, पतला होता है, तब आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। और दोस्तों, आपको सपने में अगर आपका बीरिया अचानक निकल जाता है, यानी नाइट फॉल की समस्या भी आपको हो सकती है और अचानक आपको बीरिया निकल जाने की समस्या भी हो सकती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी देखी जाती है। आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं रहती है और आपको समझ में नहीं आ पाता है कि आपको करना क्या चाहिए। आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। आप खाते तो बहुत अधिक है लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता है, तब आपको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए। अभी हम आपको स्पर्मेटोरिया की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको ये मेडिसिन 100% आपको दांत आने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती है। पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एसिड फोर्स क्यू। दोस्तों, एसिड फोर्स क्यू हर एक उस नौजवान लड़के के लिए रामबाण मेडिसिन है, हर एक उस लड़के के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो लड़के स्पर्मेटोरिया की समस्या से कई सालों से परेशान है, उनके लिंग से चिपचिपा पानी निकलने लगता है और यह पानी अधिक मात्रा में भी निकल सकता है, पेशाब के साथ भी निकल सकता है और आपको बीरिया अचानक निकल सकता है, नाइट फॉल की समस्या हो सकती है, कमज़ोर शरीर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बोलने चालने का मन नहीं करता है, आँखों से आँखें नहीं मिला पाता है, तब आपको एसिड फोर्स क्यू का मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, हर एज के लड़के के लिए बेस्ट मेडिसिन है। किसी भी एज में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। 10 बूंद आपको उसकी सुबह, 10 बूंद और शाम को यूज करनी होती है। आप आधे कप ताजे पानी में डालकर 10-10 बूंद इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन आप ले सकते हैं सेलेनियम 30। दोस्तों, सेलेनियम 30 भी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों लड़कों के लिए, हर एक उस लड़के के लिए जो हस्त मैथुन करते हैं। हस्त मैथुन की आदत को छुटकारा दिला देती है और बहुत ज़्यादा कमजोरी को दूर कर देती है। लिंग का छोटापन, टेढ़ापन से आपको हमेशा का छुटकारा मिल जाता है। जब आपके लिंग से चिपचिपा पानी निकलने लगता है, दांत आने की समस्या हो जाती है, यह समस्या आपको किसी भी एज में हो सकती है, तब आपको सेलेनियम 30 का यूज करना चाहिए। दोस्तों, आपके जननांगों के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, 100% वर्क करती है, 100% आपको इस तरह की समस्याओं से हमेशा का छुटकारा दिला देती है। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम 30 की आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टैप्सिगिरिया 30। दोस्तों, स्टैप्सिगिरिया 30 भी बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब वे लड़के बहुत अधिक हस्तमैथुन करने की वजह से शरीर को बहुत ज़्यादा कमजोर कर लेते हैं, अश्लील बातें ही करते रहते हैं, हमेशा गंदे विचार लाते हैं, हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, सेक्स करने के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, रात को सपने भी सपन दोष हो जाता है और उनकी आँखें भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं, आँखों से देखने में भी उन्हें दिक्कत होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है और हमेशा सेक्सुअल डिजीज के बारे में सोचते रहते हैं, तब आपको स्टैप्सिगिरिया 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, स्टैप्सिगिरिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज
यूज़ करनी चाहिए। एसिड फोर्स क्यू, सेलेनियम 30 और स्टेप्सिगिरिया, ये तीन बेस्ट इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, लड़कों की हर तरह की समस्याओं को दूर करती हैं, वेरी इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपको इस तरह की समस्या है तब आप इन मेडिसिन का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको स्टेप्सिगिरिया या फिर अदर किसी भी मेडिसिन की और अधिक जानकारी चाहिए या फिर अदर किसी भी डिजीज इस पर मेटोरिया की धात आने की और अधिक जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं आप इस पर मेटोरिया की समस्या से, आप धात आने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर आप अपनी समस्या हमें ज़रूर बताएं और हम आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी भी जो हमारे चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।